everybody, this is आर्शी खान and welcome to another episode of MBA with आर्शी खान. इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपकी यानी स्टूडेंट्स की. सो इस वीडियो में हम एक कॉलेज है जो कि इंदौर में लोकेटेड है. कॉलेज का नाम है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च. प्रेस्टीज के नाम से ये जाना जाता है. इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और कई सारे स्टूडेंट्स लाइव सेशन में इस कॉलेज का कट ऑफ, इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते थे. तो यार आपने पूछा और हम हाजिर हैं इस वीडियो के साथ. 1994 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, वैसे बहुत सारे कोर्सेज कराता है. मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए थोड़ा ज़्यादा नोन है क्योंकि ये लाइक अगर हम एक सेट यू नो अगर हम टीयर टू सिटीज़ की बात करें तो टीयर टू सिटीज़ में ये एक नोन कॉलेज है. पर क्या सही में यहाँ पे एडमिशन लेना सही रहेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना. सबसे पहले अगर हम कोर्स की बात करें, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बहुत सारे कोर्सेज कराता है, पर यहाँ पे हम MBA विद आर्शी खान पे हैं तो हम बात करेंगे MBA की, जहाँ पे आप जनरल मार्केटिंग, फिनांस, HR ये सारी स्ट्रीम्स में MBA कर सकते हैं. उसके अलावा आपको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट इन PR, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जैसी कई और स्पेशलाइजेशन मिलती हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट फी स्ट्रक्चर 2.5 लाख के आसपास पड़ता है. अब फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया. व्हाट इज एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस, दिस इज समथिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू नो अबाउट दिस कॉलेज. अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कम एडमिशन प्रोसेस एंड दिस इज समथिंग व्हाट आई फील लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांटेड टू नो अबाउट दिस कॉलेज. 50% टाइम इन ग्रेजुएशन अगर किसी कैटेगरी में हो तो 45. CMAT का एग्जाम इज कंपल्सरी टू गेट इनटू दिस कॉलेज. ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट चांसेस बहुत कम होते हैं. थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है वो भी हम जानेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करो. CMAT के बाद DT की काउंसलिंग होती है बिकॉज ये कॉलेज DAVB से अफिलिएटेड है. उसमें आप 1530 का रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करते हो. चॉइस फिलिंग में आप और भी जो दूसरे कॉलेजेस हैं MBA के जो उससे अफिलिएटेड हैं उसको फिल करते हो और आपके CMAT के परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं. अब कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल पूछा, अगर मेरे 80% है तो क्या मैं इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ? यस, आपको मिल सकता है, बट अगर आपका परसेंटाइल कम होगा, क्योंकि जो बच्चा MP के बाहर नहीं जाना चाहता, राइट, उसके लिए ये पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं भोपाल में IPAR देख लूँ या फिर प्रेस्टीज देख लूँ. उसको क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं पता है यू नो लोकल लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो स्टक हो जाता है. तो इस वजह से इस कॉलेज का कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ना कि इस वजह से कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है. इट्स नॉट अबाउट प्लेसमेंट, इट्स अबाउट बेसिकली क्योंकि MP में बहुत ज़्यादा MBA के लिए कॉलेजेस नहीं हैं. अब ये हो गया प्रोसेस DT काउंसलिंग में. CMAT के बेसिस पे आप अप्लाई ग्रेजुएशन पे भी कर सकते हैं, पर होने के चांसेस कम हैं. जैसे ही ये एक दो राउंड होते हैं, लिस्ट निकलती है, देन आपको वहाँ पे जाके एडमिशन लेना पड़ता है, फीस सबमिट करती है, देन एक लास्ट राउंड होता है CLC कॉलेज लेवल काउंसलिंग. अगर सीट्स बचती हैं वो DT काउंसलिंग के थ्रू, तो फिर आप बच्चा कॉलेज जाके कॉलेज लेवल काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है. सो दिस इज बेसिकली एलिजिबिलिटी कम एडमिशन प्रोसेस. कट ऑफ, देयर इज नो सच कट ऑफ. लेट्स से अगर 120 सीटें हैं या 400 सीटें हैं या 200 सीटें हैं, अगर बच्चों कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो कम में मिल जाएगा. यूजुअली 70-80% पे CMAT में, 60% में मिलने के चांसेस है. अगेन डिपेंड्स ऑन किस तरह के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एज सच कट ऑफ नहीं है और ना ही कोई GD होता है, ना ही PI होता है. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर में कॉलेज अच्छा है. ESL बहुत एक्टिव है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देता है, कई सारे कल्चरल फेस्ट. आई हैव बिन यू नो वॉचिंग द वीडियोज, आई हैव बिन in touch with the students who are studying their BBA. So exposure wise college mein bahut sare fest hote hain, internship opportunities hoti hain, extra curricular ke liye entrepreneurship, ESL activities hoti hain. To exposure acha hai college ka, jo ki agar aap MP में किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज से कंपेयर करोगे तो इट्स बेटर, बट आप इनको पुणे, मुंबई जैसे या फिर थोड़े से यू नो सेंट्रलाइज लेवल के कॉलेजेस से नहीं कंपेयर कर सकते, बट MP के हिसाब से यू नो एक्सपोजर डिसेंट है. प्लेसमेंट की बात करें, कॉलेज जो क्लेम करता है दैट इज़ 4.5 के आसपास का एवरेज पैकेज, वेयर इज हाईएस्ट इज अराउंड 12-13 लाख के आसपास. अब 4.5 का एवरेज पैकेज है, बट मेरा पर्सनल कुछ स्टूडेंट्स हैं हु डिड, तो उनका ये कहना है कि थोड़े से बहुत कम पैकेजेस वाली कंपनीज को भी कॉलेज बुला लेता है, ये एक ड्रॉबैक है. पर यार दूसरी जगह पे अगर हम बात करें, जो आप फीस दे रहे हो उसके हिसाब से आपको ROI मिल जाएगा. पर अगर आपका कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्टेशन है तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं रहे, क्योंकि यू नो MBA करने के बाद बच्चा चाहता है कि यार मुझे मैनेजर प्रोफाइल पे काम करना है, मुझे सेल्स प्रोफाइल
प्रोफाइल पे काम नहीं करना है। साथ ही साथ एक और चीज बच्चा चाहता है कि यार मुझे अच्छा 7 लाख 8 लाख 10 लाख वैसा पैकेज चाहिए, तो वहां पे थोड़ा सा आपको सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि आप कॉलेज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट इसलिए भी नहीं करते हो क्योंकि फीस भी बहुत कम है यार, हार्डली 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब उसमें बच्चे की जान लोगे क्या, राइट? अब आप सोचो कि मुझे 7 लाख का 8 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यही एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। सो ऑब्वियसली अगर ये स्टूडेंट्स जो कॉलेज देख रहे होंगे उनका बजट 2-2.5 लाख में है, और 2-2.5 लाख में आपके पास इंदौर में और इवन भोपाल में कई सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल सकते हैं जो हो सकता है इससे बेटर हो। जैसे कई सारे बाहर के कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने कैंपसेस दे हैव स्टार्टेड इन पुणे डिपेंडिंग इन इंदौर डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको फिल करके और डिटेल्स ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और ऐसी सभी प्रोसेस भले वो डीटी काउंसलिंग पे होगी या फिर कॉलेजेस पे आपको मिलने वाली है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।